टॉप 5 5G फोन अंडर 15,000 एंड अंडर 20,000। इन दोनों टॉपिक को कवर करने के बाद आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टॉप 5 5G फोन अंडर 25,000 में कौन कौन सा फोन आता है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो पर कि अंडर 25,000 में एक और वीडियो आने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको आने में। तो अब चलो देखते हैं कौन कौन सा फोन है। बट उससे पहले अगर चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फोन है पोको F4 5G। इस फोन का जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट का प्राइस है वो है 25,500 रुपीज, और इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर, जो इस लिस्ट का सेकेंड हाईएस्ट मैक्सिमम परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है, जिसका अंतुतु बेंचमार्क निकलता है 7,35,000, जो आई थिंक इस प्राइस रेंज में आपको दूसरे किसी भी फोन पर देखने को नहीं मिलेगा। एक फोन और है जिसमें 8 लाख प्लस अंतुतु बेंचमार्क स्कोर निकलता है, तो उसके लिए वेट करो, पहले इस फोन के बारे में बात कर ले। और उसके अलावा इस फोन में जो स्टोरेज टाइप है वो मिलता है UFS 3.1, और रैम टाइप है LPDDR5, जो अभी के टाइम का सबसे मैक्सिमम, मतलब जितना मैक्सिमम मिल सकता है उतना है। डिस्प्ले की बात करें तो 120Hz का HDR10+ AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो 1300 nits ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, पीक ब्राइटनेस। 64MP का मेन सेंसर, 8MP अल्ट्रा वाइड और 2MP मैक्रो, और फ्रंट में है 20MP का कैमरा। और उसके अलावा इसमें मिल जाता है आपको 4500mAh का बैटरी, जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 100% चार्ज करने में लगभग अराउंड 35 मिनट टाइम लग जाएगा, सो क्वाइट फास्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट है इस प्राइस रेंज के अंदर अगर कंसीडर कर रहे तो। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, इस फोन में आपको मिल जाता है 12 5G बैंड। सो 5G के साथ साथ अगर गेमिंग भी करना चाहते हो बहुत ही बढ़िया लेवल वाला, तो आप इस फोन को 25,000 रुपीज में कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट फोन है रेडमी K50i, जिसका 6GB प्लस 128GB वाला वेरियंट का प्राइस है 25,000 रुपीज, और इस फोन के अंदर भी 12 5G बैंड मिल जाता है। और उसके अलावा प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है आपको डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर, और इसी का जो अंतुतु बेंचमार्क मैं बता रहा था ना कि 8 लाख प्लस अंतुतु बेंचमार्क निकलता है, वो इसी का निकलता है, इस फोन का ही, Redmi K50i। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है आपको HDR10+ बट IPS LCD डिस्प्ले, बट 144Hz का मतलब सबसे मैक्सिमम हर्ज आपको मिलता है। बाकी जितने भी फोन मैं बताऊंगा उन फोन में हो सकता है 90Hz, एक फोन है 90Hz वाला और बाकी फोन 120Hz वाला है, बट ये 144Hz सपोर्ट करता है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। 64MP का मेन सेंसर, 8MP अल्ट्रा वाइड, 2MP मैक्रो, और फ्रंट में है 16MP का सेंसर, 5080mAh का बैटरी, मतलब 5080, और ये 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है पिछले फोन जैसा ही, बट इस फोन को चार्ज होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये 100% फुल चार्ज हो जाता है 40 मिनट के आसपास, मतलब 40 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, 44, 42 ऐसा। और जैसे कि मैंने कहा पिछले फोन जैसा ही, अगर आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए 5G के साथ साथ, तो आप इस फोन को भी कंसीडर कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से कंपनी के फोन ज्यादा प्रेफर करते हो। वैसे दोनों एक ही कंपनी से बिलोंग करता है, पोको शाओमी का ही एक सब ब्रांड है। प्राइस पोको का 500 रुपीज थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। अगला फोन है रियलमी GT Neo 3 मास्टर एडिशन। इस फोन का जो 6 प्लस 128GB वाला रैम वेरिएंट है उसका प्राइस है 23,500 रुपीज, और इस फोन में मिल जाता है आपको 9 5G बैंड्स, और प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर, जिसका स्कोर निकलता है 5,40,000। अभी अगर डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है 120Hz का सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो 1000 nits ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। और कैमरे की बात करें तो सेम टू सेम पिछले दोनों फोन जैसा ही, 64MP का मेन सेंसर, 8MP अल्ट्रा वाइड, 2MP मैक्रो, फ्रंट सेंसर यहाँ पर 32MP का मिलता है, 4300mAh का बैटरी मिल जाता है, जो 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और ये चार्ज होने में 100% फुल चार्ज होने में 33 मिनट का टाइम लगता है इस फोन को। सो हाँ, ये भी बहुत ही एक बढ़िया कॉम्बिनेशन का फोन है, थोड़ा सा प्राइस कम है। अगर आप उतना ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस पर नहीं जा सकते 25,000 या फिर 25,500 रुपीज, जैसे कि मैंने बताया दोनों फोन, पिछला दोनों फोन, तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। अब 23,000 प्राइस रेंज में भी एक फोन है, iQOO Z6 Pro, 8GB plus 128GB वाला वेरियंट का प्राइस है 23,000 रुपीज, और इस फोन में मिल जाता है 6 5G बैंड्स, और पिछले फोन जैसा इस फोन में भी आपको स्नैपड्रैगन का 778G वाला प्रोसेसर मिलता है, जिसका अंतुतु बेंचमार्क मिलता है 5.5 लाख। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक फोन है जो 90Hz सपोर्ट करता है, वो यही फोन है। इस फोन में आपको मिलता है AMOLED डिस्प्ले 90Hz का, और सेम पिछले तीनों फोन जैसा इस फोन में भी आपको 64MP का मेन सेंसर, 8MP अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलता है, और फ्रंट में है 16MP का सेंसर। और अगर बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको मिल जाता है 4700mAh का बैटरी, जो 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 18 मिनट टाइम लगता है 50% चार्ज कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर भी बजट का खेल है, अगर आपका बजट 23,000 से ज़्यादा नहीं जा रहा तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया फोन है 23,000 रुपीज़। वीडियो और पिछले दोनों वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं एक स्टॉक एंड्रॉयड
रोम वाला एक फोन बताने वाला हूँ जो है मोटो का ही, मोटो G82। इसका 8GB प्लस 128GB वाला रैम वेरिएंट का प्राइस है 23,000 रुपीज। इसमें मिल जाता है 13 5G बैंड्स, उसके अलावा स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर। आई नो ये आपको 17,000 18,000, मैंने एक अंडर 15,000 वाले फ़ोन में भी बताया था, उस फोन में भी मिल जाता है, बट ये कोई परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन नहीं है। मैं जस्ट UI के लिए आपको ये प्रीफर कर रहा हूँ। अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हो तो उसके समय आप इस फोन को परचेस कर सकते हो। बाकी स्पेक्स भी सुन लो, पर अंतुतु बेंचमार्क की बात करें तो इस फोन में 4 लाख प्लस अंतुतु बेंचमार्क मिलता है, कुछ हो ना हो, बट इस फोन के अंदर डिस्प्ले बहुत ही तगड़ा वाला मिलता है। POLED डिस्प्ले, मतलब प्लास्टिक OLED डिस्प्ले। प्लास्टिक सुनकर ये मत समझ लेना कि इसका क्वालिटी खराब है। प्लास्टिक OLED डिस्प्ले की वजह से होता क्या है कि फोन थोड़ा सा ज्यादा स्लिम हो जाता है। सो आई थिंक ये वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन है इस प्राइस रेंज के अंदर। और ये POLED डिस्प्ले 120Hz भी सपोर्ट करता है। और उसके अलावा कैमरे की बात करें तो इस फोन में जाता है 50MP का मेन सेंसर, 8MP अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2MP मैक्रो और 16MP का फ्रंट सेंसर। उसके अलावा 5000mAh का बैटरी जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब लास्ट में अगर आप लोगों को बताऊं कंक्लूजन कि कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए, टॉप 5 लिस्ट तो है ये, बट इन पांचों फोन में से भी आपको कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। सो यहाँ पर आप अपना बजट देखो, आपका बजट अगर 23,000 रुपीज है, उससे ज्यादा नहीं जा रहा, तो उसमें मैंने दो फोन बताया, उन दोनों फोन में से कोई एक फोन ले सकते हो। अगर 23,000 से थोड़ा सा ज्यादा जा सकते हो, 24 तक जा सकते हो, तो 23,500 रुपीज़ के अंदर भी एक फ़ोन मैंने बताया, और उससे भी थोड़ा सा अगर जा सकते हो 25,000 या फिर 25,500 रुपीज़, तो पहला दो फ़ोन ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ही क्वेश्चन कर लेना, मैं वहाँ पर ही आंसर दे दूंगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।